दोस्तों आपके कटिंग फेज में या फैट लॉस के टाइम पे हम 4-6 रैप बढ़ा देते हैं, रेपिटेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि आप कंपैरेटिवली थोड़े कम लोड पे ट्रेनिंग कर पाएँ। अब कई एथलीट्स को ये मिथ हो जाता है कि ज़्यादा रैप कटिंग के लिए है और कम रैप गेनिंग के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैप बढ़ाने के पीछे वो मोटिव कुछ और है, रीज़न ये है कि एक तो आप लो कैलोरी डाइट पे, डेफिसिट कैलोरीज पे, तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी लो है। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने के लिए हम फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो अभी थोड़ा सा लो एनर्जी आप, और चलो उसको भी आप काउंटर कर सकते हैं, आप मेंटली टफ होते हैं सारे स्पोर्ट्समैन। लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि इस टाइम पे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में बिल्कुल कम है, मसल डिप्लीट रहता है, उसके अंदर ग्लाइकोजन लेवल भी लो है, और वो ग्लाइकोजन लो होने की वजह से मसल वाटर होल्ड भी कम करता है, और मसल जितना डिहाइड्रेट रहेगा, पानी कम पकड़ेगा, उतना ही इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टाइम पे आप बहुत हैवी इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो थोड़ा सा इंजर्ड होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, इसलिए हम रेपिटेशन बढ़ा देते हैं 4-6 रैप ताकि लोड थोड़ा सा कम हो जाए। दूसरा, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करेंगे आप, आपको रेस्ट टाइम ज़्यादा रखना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेशन आपका लंबा हो जाएगा, और पहले ही आप लैक ऑफ एनर्जी है, डेफिसिट कैलोरीज में हैं, ज़्यादा लंबा सेशन मतलब आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में चली जाएगी, ये अपने मसल को ही खाना शुरू कर देगी। कम लोड पे ट्रेनिंग करने का फ़ायदा ये मिलता है कि कम रेस्ट में ट्रेनिंग कर पाते हैं आप, फटाफट आधा मिनट एक मिनट के रेस्ट पे अपने सेट्स ले पाते हैं, तो आपका ट्रेनिंग सेशन थोड़ा छोटा हो जाता है, आपका मसल सेफ रहता है। तो वो बिगिनर्स को थोड़ा सा ये रहता है कि रेपिटेशन बढ़ाने का मतलब अब हम कटिंग फेज में आ गए और गेनिंग के टाइम पर ज़्यादा, ऐसा नहीं है। कई एथलीट है जो हैवी वेट से भी फैट लॉस करते, अपना अपना प्रोटोकॉल सबका, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सेफ है। फैट कटिंग के टाइम पे रेपिटेशन थोड़ा सा बढ़ा दें, लोड थोड़ा कम कर दें, रेस्ट टाइम कट कर दें, और कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी आपकी डाइट में कम है, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।